जी भाई असा हम इस टाइम शुरू कर रहे हैं। ये वाटर टैंक कंक्रीट वाला, ये मतलब वाटर टैंक है। और ये अक्सर मतलब जब हम काम करते हैं या कोई भी काम करता है तो होता ही हुआ है कि ये जो बेड और दीवार के जोड़ हैं वो अच्छी तरह साफ नहीं करते, जिससे जिससे बाद में बड़े मसले आते हैं लीकिंग के, सीपेज के। कोशिश किया करें ये जो मतलब जोड़ है ये वाला, इसे अच्छी तरह साफ कर लिया करें, ये जो मतलब बाद में मसला नहीं आता। आप देख रहे हैं अब ये इसका बेड है, ये इसका जोड़ मेन जोड़ इसका ये वाला बन रहा है। अब इसमें बेंडिंग तार आ रही है, लकड़ी आ रहा है, जो भी चीज़ हो आप अच्छी तरह पहले ये वाली जगह साफ कराया करें, उसके बाद फिर जो मतलब प्रोसेस होगा आपको इंशाल्लाह सारा दिखाएंगे। अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? चार ठीक है, खुश है। अच्छा दोस्तों, आज हम मिक्स कर रहे हैं 1017। ये होता है दो कंपोनेंट में, ये जो सैंड है ये बी है और ये जो लिक्विड है ये वन है। आज हम कर रहे हैं वाटर टैंक में कोटिंग। आओ आज यानी कि अब हम करेंगे इसकी मिक्सिंग वगैरह, और ये मिक्सिंग ये वो जिस तरह मिक्सिंग करते हैं। अभी हमने लिक्विड मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें सैंड मिक्स करेंगे। ये इसके दो कंपोनेंट कहते हैं इसे। होता यूँ है कि अब ये काफ़ी सख्त हो जाता है जब हम इसको मतलब सारा मिक्स करते हैं। ये अभी हमारा है सिंगल कोट, अभी हम इसे थोड़ा तो पतला रखेंगे ताकि देख लेना। अब हम तकरीबन बचवा रहे हैं इसमें तीन से चार किलो बच गया सैंड, और अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। ओके सर भैया, अब हम मिक्सिंग कर रहे हैं। मशीन है दूसरी साइड पे, इधर टैंक का काम अर्जेंट आ गया थोड़ा। सब हमने डंडे से मिक्स कर लिया है, दिखाया डंडे ने किया, डंडे से मिक्स डंडे से मिक्स किया है, मतलब डंडे से सही मिक्स नहीं होता जब तक आप इसमें हाथ से ना हिलाएं। अब देख लें आप इसमें मतलब खुश्क रह जाता है। अब हम इसके अंदर हाथ से मिक्स करेंगे, चेक कर लें। इससे मिक्स करते हुए तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छा अब हमने ये जो माल मिक्स कर लिया है मशीन से भी ऐसे होता है, बस ये है जो इसके मतलब शर्त ये होती है कि ये जो इसके अंदर रोड़ियाँ ना बने। अब आप देख लें तकरीबन सारा मिक्स हो गया है। दूसरी बात, अब इसके ऊपर बबल भी नहीं बन रहे, झाग भी नहीं बन रही, और ये माल बन गया बिल्कुल खालिस। अब हम ये वाटर टैंक में लगाएंगे सिंगल कोट, फिर चलते हैं उधर वीडियो बनाते हैं किस तरह ये अप्लाई होता है। सभी पहले भी मैंने आपको इस मतलब बताया हुआ है कि जब हम कोटिंग करते हैं पहले इसको क्यूरिंग करते हैं,
क्योरिंग करने से ये होता है कि जो केमिकल है इसकी मतलब इसकी जो मतलब पकड़ है वो अच्छी होती है और ये मतलब ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम क्योरिंग मतलब नहीं करते तो ये फिर मतलब ठीकरे बन जाते हैं, ये बात के साथ साथ ये फट जाता है। क्योरिंग इसकी बहुत ही मतलब जरूरी है, बहुत अहम है ये। अच्छा भाई, अब हम इसमें करें सिंगल कोट। सिंगल कोट करने के भी कुछ रूल है, कुछ तरीकेकार है, लाजमी नहीं है पोस्ट सिर्फ लगाना है घुमाना है। आपने माल अभी अंदर लेके आए हैं तो कुछ ये है कि बैठ भी सकता है, माल खालिस है ये नहीं बैठेगा, ये फिर वैसे असरेगा। बहरहाल अब हम करते ही हुए कि जो मतलब होलिंग है जिस तरह अब ये सरिया निकला हुआ है जो भी कोने हैं, अब हम पोस्ट इसके अंदर भर के लगाएंगे ताकि जो भी सुराख हो माल उसके अंदर चला जाए। पोस्ट लगाएंगे बार बार ये। दूसरा ये जो इसके अंदर सुराख है ये सारे भर जाए, फिलिंग हो जाए, मीन्स केमिकल इसके अंदर चला जाए। अब ये जो सुराख है मेन होल वगैरह ये है, अब ये करना यूं है कि इसके अंदर बोश भर के लगाना है 2 से 3 मतलब जो भी इसके कैविटीज होंगे या होल वगैरह होंगे उससे ये केमिकल भर जाएगा, इससे इसकी होगी ये वाटर प्रूफिंग, वो भी सिंगल कोट में। ठीक है, हम आ गए वाटर टैंक के अंदर और अब हम कर रहे हैं इसकी फिलिंग 107 से। ये जो होते हैं ना इसके मेन होल होते हैं, ये सुराख होते हैं, फिर इसकी हम करेंगे फिलिंग। फिलिंग होता यूँ है कि जब ये सूखेगा तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है और ये फ्लेक्सिबल चीज़ है, इसे इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो 105 हो गया, 107 हो गया, ये सीमिटेशन फ्लेक्सिबल कोटिंग होती है। और जो इसका मतलब जो आप इसकी फिलिंग कर रहे हैं ये भी फ्लेक्सिबल है। और दूसरा जो मतलब क्रैक्स होते हैं उसके अंदर एक और केमिकल होता है, बाकी जो होल हो गए मतलब ये मतलब सुराख हो गए या मतलब जो भी इसके अंदर है छोटे मोटे सुराख हैं इसको इस मतलब ये हम ये ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उसके लिए ट्यूब इस्तेमाल करते हैं सीका फ्लेक्स की। और इस तरह हम जो अब सारी फिलिंग है इसको फिलिंग करेंगे सारी इस तरह दबा के कर जाए ताकि माल इसके अंदर चला जाए, या फिर आपके ऐसे दबाते हैं ताकि इसमें होले के अंदर रह भी ना जाए, ताकि इसकी मेन होलिंग अंदर रह भी ना जाए। इस तरह हम सारे टैंकी की फिलिंग करेंगे और ये जब सूखेगा फिर इसके ऊपर डबल कोट करेंगे। अब ये देख लें ये हो गया इस तरह सारी फिलिंग करेंगे हम।
आप ये अब देख रहे हैं पद्धति में, यहाँ से तो मतलब कन्फर्म पानी जाएगा, इधर जांच नहीं है रुकने वाला, क्योंकि ये देखें इसमें काफी हनीकॉमिंग है और काफी सुराख है, और ये इसके अंदर आप हम ये मटर वाला माल फिल करेंगे। ये देख रहे हैं जोर से दबाना इसमें, ताकि ये फिर उधर नरम होता है, जब हम इसको दबाएंगे ऐसे ये इससे ये होगा कि माल अंदर तक चला जाएगा और ये इसके सुराख वगैरह बंद हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप ये जो होते मतलब ये पाइप होते हैं, इनके साथ अक्सर यहाँ पे इशू रहता है। अब इन्होंने चिप्स की हुई है, लेकिन ऊपर तक किए हुए थे, नीचे सारा कचरा पड़ा था। अच्छा दोस्तों, वाटर टैंक में काफी हीट है, हीट की वजह से कंप्रेसिंग हो रहा है, और दूसरा जो कैमरा होता है इसके अंदर हीट होती है। ध्यान क्या करें, अगर आप न्यू हैं तो काम ना मतलब एक दीवार काट के फिर आप टच कर लें, उसके बाद क्या करें लेना हो के आप कर लें तो क्या करें, और तो लगभग इस तरह से बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे का बोलेंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम वाटर टैंक की दीवार और बेड जो इसका जोड़ बन रहा है, अब हम इसको सील करेंगे। स्पेशल के तौर पर हमने अब इसके ऊपर केमिकल बनाया हुआ है, अब हम इसके ऊपर हुई लगाएंगे, ताकि अगर कोई 19-20 हुआ मतलब क्रैक्स वगैरह या कोई होल रह जाता है वो इससे अच्छी तरह फिल हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। ये भी माल काफ़ी मैंने गाढ़ा बनाया हुआ है, ताकि वो सील हो जाए और अच्छा हो जाए। ये वही 107 है, सी का सील 107 है, ये देख लें। ये भी स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसको आप डबल कोट में शामिल नहीं करना, इसको मैंने शामिल किया हुआ है रिपेयरिंग के साथ, ताकि जब ये रिपेयरिंग सूख जाएगी साथ ये भी सूख जाएगा, और जब हम इसके ऊपर डबल कोट करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो बेहतरीन होगा और काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आपने हमें जो हमारा चैनल है इसको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को आगे शेयर करना है। शुक्रिया। आज हमारे पास इसकी मशीन भी आ गई है, मशीन कल से आ गया है, जो हमने मोटर बनाया था इसका, तो मिक्स करेंगे।
इसमें थोड़ा सा और लिक्विड मिक्स किया है, क्योंकि माल जो इसकी 5 पीस की रेशो है वो उससे माल काफ़ी सख्त बन गया था, तो हमने और थोड़ा सा लिक्विड मिक्स किया है। जो आप SBR भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, देख लें अब माल ठीक है, माल इतने सख्त भी ना हो कि घुस ना चले। ठीक है, अब हम चलते हैं वाटर टैंक में, उधर फिर जो भी प्रोसेस होगा आपको दिखाएंगे। अच्छा भाई, आज हम वाटर टैंक कर रहे हैं दूसरा कोट। अब आप देख लें, पहले सिंगल कोट किया था, फिर उसके बाद हमने इसकी की थी रिपेयरिंग। अब देख लें ये टैंक ये है, अब इसके देख लें राउंड अबाउट इस पर ये कि फिलिंग हमने की हुई है सारा, ये क्रैक्स था सारा, इधर यहाँ भी सारा क्रैक्स था, पूरी साइड पे क्रैक्स था। और उसके बाद दीवार और ये जो बेड है इसका जोड़ हमने सील किया था, अब हम इसके ऊपर फाइनल कोट कर रहे हैं दूसरा। अब आप देखते जाएं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये इस तरह करेंगे, यहाँ पे पोस्ट मार्कर लगाना है ताकि अगर 19 पीस सुराख फ्री रह भी जाता है, ऐसे तो रहता नहीं है क्योंकि उस पर क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग करने से जो माल है वो अंदर तक चला जाता है। देख लें, ये जो बैक होते हैं इस पे हमेशा पोस्ट भर भर के लगाएं और इसको अच्छी तरह सील करना होता है। अक्सर यहाँ से ही मसला होता है, कोने से होता है, और दूसरा ये जोड़ हमने सील किया था उधर से होता है वाटर टैंक का असल मसला। बाकी अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा वाटर टैंक में, क्योंकि इस पे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब आप देखेंगे वीडियो में किस तरह हमने इसके अंदर चिपिंग की है, ये वाला गोला साफ किया है, इसको किस तरह साफ किया है हमने। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे आपने शेयर करनी है, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। Okay.